वो भूल गए कि उनकी भी माँ बहन है, जदयू के लिए प्रचार किए कि जदयू को दे दो, उनको जीतने नहीं है, उनको जीतने से ज़्यादा है पप्पू हारे, एक ही विचारधारा है मानवता का, इमोशंस का, फीलिंग का और परिवार का, इंसानियत का। आप बाहर से आए हैं तो आप समझिए, मैं जानता हूँ इतना ही हूँ कि जिन्हें राम रहीम नानक रसखान कबीर कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो, उन्हें किसी भी तरह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं पालनी चाहिए। अर्जुन को प्राप्त है वो संतुष्ट है, हमें भी प्राप्त है मैं संतुष्ट हूँ, और पूरा देश एनडीए या इंडिया के चलते तो इस सीट को नहीं देख रहा है ना। आप जो आके प्रवचन दे रहे हैं, एनडीए और इंडिया का सीट तो बहुत है, तो देश में यही चर्चित क्यों है? इंडिया और एनडीए के चलते तो ये चर्चित नहीं है, ये चर्चित है पूर्णिया की जनता और जो मेरे लिए भगवान है और जिसने हमें बेटा बना करके लड़ने मरने और विचारों का जज्बा दिया उनके कारण। सिर्फ पप्पू यादव के लिए ही है, किसी और चीज के लिए नहीं है, ये पूर्णिया और पप्पू के लिए ही है। मोदी का नहीं है चर्चा में, कंगना का नहीं है चर्चा में, 40 सीट नहीं है चर्चा में, यहाँ पप्पू लड़ रहे हैं और पप्पू को बिना जाति धर्म का मजहब का यहाँ आशीर्वाद प्राप्त है और पप्पू को लोगों ने बेटे की तरह एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए चर्चा है। चर्चा और किसी के लिए नहीं। जो लोग पांच दिनों से पूर्णिया में थे, सबसे पहले पीएम आए, सीएम आए, रोड शो किए, इसके पहले तो आज तक रोड शो सीएम ने यहाँ नहीं किए, कोई भी विपक्षी पांच दिन यहाँ नहीं रहा, 100-100 एमएलए दोनों दल, पीएम साहब, सारा धन पशु, सारा पशु, सारा अपराधी का इस्तेमाल, तो अपराधी के द्वारा मारने की साजिश तक रच दिया। अब क्या उन्होंने तो कहा कि मार देंगे घर ढो के सोशल साइट पर, वो तेजस्वी जी के राजा छोटे राजा साहब के मंच पर थे, वो गाड़ी में चल छोटे राजा का, वो भूल गए कि उनकी भी माँ बहन है। जिस तरीके से माँ बहन को गाली दी गई है एक क्रिमिनल के द्वारा जो सजा आपता है, वो उनके मंच पर भी थे नॉमिनेशन के दिन, उनके सब जगह थे, तो अब आप सोचिए कितना नैतिक स्तर गिर गया। यहाँ पर बैठ करके जदयू के लिए प्रचार किए कि जदयू को दे दो, बैठ के यही काम ही किए हैं सारे एनडीए के लोगों से बात कर कि कैसे पप्पू यादव हारे। अभी तो मैं ट्वीट देख रहा था उत्कर्ष का, उन्होंने ट्वीट किया है कि जहाँ जो छोटे राजा आए थे उनको जीतने नहीं है, उनको जीतने से ज़्यादा है पप्पू हारे, ट्वीट किए। और ये कौन है जिन्होंने आपको धमकी दिया है? बहुत बड़े अपराधी, सजावार अपराधी, और जो उनके मंच पर छोटे राजा साहब के मंच और गाड़ी के साथ चल रहे, उन्होंने कहा ढुक के मारूंगा, मेरे यहाँ से मौत हो गई थी। अब देखिए सारे जगह उनके खिलाफ नारा चली है, जनता ने पप्पू यादव जिंदाबाद, सभी जगह सीसीटीवी निकाल के देख लीजिए कौन लोग होते। चैलेंज तो है मेरा, सीसीटीवी निकाल के देख लीजिए कहीं सिवाय नारा के गो बैक राजा साहब, तो हर आदमी को अधिकार है। पप्पू यादव को भी जब क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो गो बैक कहता है, भारी विरोध का सामना झेलना पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री भी एक लेटर लिखे हैं, बहुत ही इमोशनल लेटर लिखे हैं, बोल रहे हैं कि बिहार के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया बिहार के काम के लिए, इसलिए वोट इस बार एनडीए को ही दे। मैंने वही कहा ना, 20 साल उनको मिला
मतलब छोटे राजा को भी दो बार डिप्टी सीएम सीएम सब मिला। कोशिश सीमांचल के लिए कोई एक काम बता। नीतीश जी ने तो कुछ काम किया भी कुछ। इस इलाके में सबसे ज्यादा मजदूरी का पलायन, हाई डैम, बाढ़ से मुक्ति कोई नहीं दिला पाया 30 सालों में। दोनों आदमी 20 और 15 साल मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे, और बरदान ही हो गया, अभिशाप ही हो गया। बार बरदान होता अभिशाप बन गया। उस ये लिखेंगे चिट्ठी, जरूर चिट्ठी लिखेंगे। ओवरऑल में बात करें तो पूरा एक कैंपेन प्रोसेस कैसा रहा और इसका रिजल्ट पप्पू यादव कैसे देखते हैं? पप्पू यादव कैसे देखते हैं? हम तो 24/7 आम लोगों के लिए उपलब्ध, 12 मास 24 घंटा 60 सेकेंड, हम कैसे देखें? नींद ही नहीं आती है इसके बगैर, इनकी मदद किए बगैर, इनके आंसू पोछे बगैर। हम तो हर मिनट सेकेंड चलते हैं, तो चुनाव में थोड़ी चलते हैं। आग लगी 4 बजे सुबह में वहाँ थे, यहाँ आग लगी 6 बजे यहाँ आ गए। हमारा जो दायित्व है लोगों के जीने का, उनकी खुशियों का, वो तो अपनी ज़िंदगी दे के भी करें, पूरा रत्ती रत्ती बिक जाए तभी दूसरों की खुशी के अधिकारों को प्रोटेक्ट करें, उसके विचारों को प्रोटेक्ट करें, उसके अधिकार के विचारों को प्रोटेक्ट करें। उसको आप समझिए, जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो तो 4 जून को भक्त बता देगा।